एकमात्र मकसद इस वक्त भारतीय सेना का है, आतंक का खात्मा। क्योंकि जब से नई सरकार का गठन हुआ है, आतंकी फनफनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में भारतीय सेना उनको उनके बिल से निकालकर मुंहतोड़ जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इस खास रिपोर्ट में। आतंकियों का नामोनिशान मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अमन और चैन के खिलाफ उठते आतंकियों के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए सेना के जवान मुस्तैद हैं। कठुआ में जिस तरह से आतंकियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, उसके बाद से सेना का एक ही मकसद है और वो है दहशतगर्दों का उनके ठिकाने समेत संपूर्ण खात्मा। जब भी एनएस इस तरह की हरकत करते हैं तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम लोग अपने अपने एरिया में जितनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकें वो उतना अच्छा रहता है, और एरिया को डोमिनेट करना और लोगों से मिलना अच्छा रहता है। और चूंकि एरिया सटा हुआ एरिया है, क्लोजेस्ट है आईबी के, तो लाजमी हो जाता है कि इन एरियाज़ को खंगालना, देखना और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसी तर्ज पर जो है आज पुलिस और एसओजी सांबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं, मतलब चुन चुन कर जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया हो रहा है। विकास और अमन पर नापाक हमले की हर कोशिश को देश के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। घाटी में सेना और पैरामिलिट्री की मुस्तैदी से आतंकी खौफजदा है। आतंकी बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं, लेकिन सेना ने आतंकियों को जहन्नुम पहुँचाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। डोडा के पहाड़ी इलाके में छिपे आतंकियों को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा अभियान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने पूरे इलाके को घेर लिया है। भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स इस ऑपरेशन का हिस्सा है। लगातार हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हवा के जरिए जहां हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं ग्राउंड की अगर बात की जाए तो फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से तैनात है आतंक को मार गिराने के लिए। ऑपरेशन को जो है अमलीजामा पहलाने के लिए पूरे ऑपरेशन की निगरानी जो है वो वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का पिछले एक महीने से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कठुआ, डोडा, सामा की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामोनिशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार और पनाहगार भी नहीं बचेंगे। हमारी फोर्सेस जहां अभियान चलाकर आतंकियों का खात्मा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के मददगारों पर भी एक्शन हो रहा है। कठुआ में सेना के वाहन पर हमले मामले में पुलिस ने आतंकियों के 24 मददगारों को हिरासत में लिया। 8 जुलाई को कठुआ के मछेड़ी के जिस इलाके में सेना के जवानों के काफिले पर हमला किया गया था, यही वो गाड़ी है जिस पर जो है हमला किया गया था। पीछे नीचे बिखरे जो देख रहे आप शीशे जो है वो टूट के बिखर गए थे। इसके बाद जो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी इस गाड़ी पर, वो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। M4 से यहाँ पे अटैक किया गया था, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, और देखिए किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं हम गोलियों के निशान। इसके अलावा जो देखिए एक और गाड़ी जो इसके आगे थी, उसको फिलहाल यहाँ पे हटाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन इसको इसके लिए बकायदे एक क्रेन लगाया गया, लेकिन क्रेन भी पलट गई है यहाँ पर, यानी कि अभी तक जो गाड़ी है वो यहाँ से हट भी नहीं पाई है। सेना की जांच में आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सेना पर हमले के लिए आतंकियों ने US निर्मित M राइफल का और AK राइफल का इस्तेमाल किया था। हमले में स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। हमले वाली जगह से M4 राइफल की 5.56 mm की गोलियां और AK राइफल की 7.62 mm की गोलियां बरामद की गई। आतंकियों के पास इन एडवांस हथियारों के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आतंकियों के पास ये कहां से आए। पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में जो आतंकी दहशत फैलाने उतरे थे, अब उनके खात्मे के लिए देश भर से मांग उठ रही है। कठुआ में कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 घरों के चिराग बुझ गए। जवानों की शहादत पर पूरा हिंदुस्तान गम और गुस्से में है और हर जवान के बलिदान का बदला मांग रहा है। हर किसी की एक ही मांग है, अब की बार आतंकियों का हो संहार। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपके अंदर घुस के चुन चुन कर आपको मारेंगे। एक एक वीर जवान की शहादत का बदला आपके जो 10-10, 20-20 जवानों को मार कर लेंगे। देश में हिफाजत में जिन शहीदों ने जान कुर्बान की, उन्हें पूरा देश सलाम कर रहा है। कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। इस कायराना हमले में भारत माता के वीर जवान आनंद सिंह, कमल सिंह, विनोद सिंह, अनुज नेगी, आदर्श नेगी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अपने लाल को खोने के बाद एक मां तड़प रही है। अपने बुढ़ापे का सहारा छीन जाने से एक पिता की आंखें नम हैं।
अब सवाल है कि आखिर कब तक एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े की शहादत पर रोती रहेगी, कब तक एक पिता घर में अकेले गम को छुपाएगा, कब तक छोटे छोटे बच्चों के आंखों के आंसू बहेंगे। अब समय आ गया है कि आतंकियों के पापों का हिसाब हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू संभाग में लगातार आतंकी हमले के बाद बुलाई गई है बड़ी बैठक। बॉर्डर से सटे राज्यों की कल बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी और बीएसएफ के स्पेशल डीजी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से घुसपैठ रोकने या आतंकवादियों से निपटने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि पिछले दो महीने से लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं घाटी में बढ़ती हुई नजर आई हैं, जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि ये बैठक यहां पर की जा रही है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी ये गतिविधियां यहां पर देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर कल ये बैठक होने वाली है। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुंबई हिट एंड रन केस की। इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश रहा, खासतौर पर महाराष्ट्र में और उस परिवार ने जिसने अपनी मां और किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया। लेकिन आपको बता दें, मुख्य आरोपी यानी कि मिहिर शाह, जिसे महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इसी के साथ में राजेश शाह यानी कि मिहिर शाह के पिता को पार्टी से शिंदे ने बाहर का रास्ता दिखाकर यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में कानून हर किसी के ये बराबर है, जो अपराध करेगा वो सजा पाएगा। देखिए रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले ही साफ कर दिया था कि हिट एंड रन के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, महिला की मौत के गुनहगारों पर कड़ा से कड़ा एक्शन होगा। इसके लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को भी साफ साफ आदेश दे दिया था कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे कोई नेता हो या फिर अभिनेता, कानून सबके लिए बराबर है। इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिंदे के सख्त आदेश के बाद कई दिनों से फरार चल रहे हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार हो चुका है। तीन दिन तक पुलिस से लुका छुपी करने के बाद आखिरकार पुलिस ने मिहिर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन पुलिस की नजर से आखिर कब तक भाग सकता है। गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी मिहिर शाह को हादसे का कोई मलाल नहीं है, उसके चेहरे पर किसी भी तरह का शिकन नहीं है। इसे आप पैसों की हनक कहें या फिर सत्ता की सनक, क्योंकि मिहिर शाह गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के सामने रौब ऐसे दिखा रहा है जैसे वो गुनहगार नहीं बल्कि पुलिस का मेहमान हो और पुलिस स्टेशन उसका घर। वर्ली हादसे का गुनहगार मिहिर शाह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस और उसके मददगारों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे की सेना ने आरोपी मिहिर के पिता राजेश शाह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। सीएम शिंदे ने अपने इस फैसले से विरोधियों को ये कह दिया कि कानून सबके लिए एक है। आरोपी मिहिर शाह और उसके रिश्तेदारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के उस तपस बार पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जहां से मिहिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकला था। जो वाइस ग्लोबल पारस बार था, उस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और आज सुबह से ही यहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो शराब पीने की उम्र सीमा तय की गई वो 25 साल है, लेकिन जो आरोपी है इस हिट एंड रन केस का मिहिर शाह, उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही थी। और ऐसे में अगर अवैध तरीके से यहाँ शराब परोसा गया, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ आज बुलडोजर एक्शन हुआ है, एक्शन शुरू हो गया है। यह अस्थायी स्ट्रक्चर जिसे तोड़ा गया है, अभी इसे पूरी तरह से डिमोलिश किया जाएगा, क्योंकि पीला पंजा यहाँ चलना शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि और भी कार्रवाई यहाँ की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा है, जो अवैध अनलीगल तरीके से बना है, उसको डिमोलिश किया जाएगा। ये मुंबई हिट एंड रन मामले में पुलिस जहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है, वही विपक्ष इस मुद्दे के जरिए शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश करने में जुटा है। रोज ऐसे ड्रगिस्ट को और ड्रग माफिया को सपोर्ट करने वाली जो सरकार महाराष्ट्र में है, तब तक ये सब चलते रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां है, ये महाराष्ट्र की सरकार की ही वजह से है। मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार हो गया, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी भी न्याय का इंतजार है। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान सुनिए पीड़ित परिवार ने क्या कहा। पिताजी को मालूम है उसने ऐसा अत्याचार किया है, तो पिताजी ने हेल्प करने के बाद पिताजी को होना ही चाहिए था,
क्योंकि पिताजी ने कम से कम फोन करना चाहिए था पुलिस को जी। क्या मेरा पुलिस को फोन करके मेरे बेटे ने ऐसा किया, पिताजी ने उसको हेल्प किया भगाने के लिए, तो पिताजी उसका गुनहगार हो गया और पिताजी को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, मतलब क्या है? फिर किसके ऊपर हम लोग भरोसा रखेंगे? अभी उसको घसीट के ही लेके जाना है, बस जो सेम टू सेम टिट फॉर टैटी होना चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, टिट फॉर टैटी होना चाहिए। जो मेरे बहन के साथ हुआ है वही उसके साथ ही होना चाहिए, जैसे अभी हम रो रहे हैं वैसे उसके घर वाले भी रोने ही चाहिए। बहरहाल मुंबई पुलिस आरोपी मिहिर शाह की जुबान से सच निकलवाने की कोशिश में लगी है। पुलिस के निशाने पर मुंबई हिट एंड रन केस का मुख्य आरोपी तो है, साथ ही वो नेटवर्क भी है जिसकी मदद से कातिल पिछले 3 दिनों तक बचता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुंबई या फिर देश में हिट एंड रन का ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले इससे पहले भी सामने आ चुके हैं जिसमें कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये सब कब तक चलता रहेगा।